हाइब्रिड क्रॉस मीन्स वेन एवर वी टेक ओनली अ सिंगल कैरेक्टर्स एंड टू ट्रेड्स ऑफ सिंगल कैरेक्टर एंड क्रॉस बिटवीन देम टू कैरेक्टर्स दैट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हम लोग जब F1PD सॉरी मोनोहाइब्रिड एकल संकर संकरण करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक लक्षण के दो विप्रियासी गुणों के मध्य क्रॉस करवाते हैं। क्या करते हैं, एक लक्षण के दो विप्रियासी गुणों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो उसे एकल संकर संकरण कहते हैं, और दो लक्षणों के चार विप्रियासी गुणों के मध्य क्रॉस करवाते हैं। वेन एवर वी टेक टू कैरेक्टर्स एंड ट्रेड्स फोर एंड क्रॉस बिटवीन दैम देन इट इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। नाउ बैक क्रॉस इज डिपेंड अपॉन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है, अपने एक उदाहरण ले लीजिए, एक लंबे पौधे का क्रॉस अपन करवाते हैं किससे, एक बोने पौधे से। तो अपने पास F1 जनरेशन में या F1PD में क्या प्राप्त होता है, लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, लेकिन कैसे, संकर हाइब्रिड लंबे संकर प्राप्त होते हैं। अब जब इस F1 का क्रॉस इसके पेरेंट यानी ये क्या हो गया अपने पास जनक, जब F1 का क्रॉस इसके जनकों से करवाते हैं, F1 का क्रॉस इसके जनकों से करवाते हैं तो इसे संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। देखिए एक बार तो अपने पास क्या है, एक बार अपने पास प्रभावी या डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका क्रॉस अपन ने करवा दिया किससे, F1 जनरेशन से, और एक बार अपन ने इसका क्रॉस करवा दिया किससे, रिसेसिव कैरेक्टर से अप्रभावी जनक से। अप्रभावी जनक से करवाने पर अपने को 1:1 ये रेशियो आता है अपने पास, यानी दो लंबे और दो बोने, और यहां जब अपन क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा कि सारे के सारे अपने को लंबे ही प्राप्त होंगे, इसमें दो हाइब्रिड है और दो डोमिनेंट है। ठीक है, ये दोनों जनकों से आपको याद रखना है सिर्फ इतना, F1PD का क्रॉस जब इसके दोनों जनकों से, यानी दोनों जनक कौन से हो गए, एक अपने पास हो गया प्रभावी और एक हो गया अप्रभावी, जब F1PD का क्रॉस इसके दोनों जनकों से करवाते हैं तो हम कहां गए, पीछे गए, जनकों की तरफ गए, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये अपने को प्राप्त हुआ संकर, और संकर का क्रॉस किससे करवा रहे हैं, प्रभावी और अप्रभावी जनकों के साथ, ये प्रभावी और ये अप्रभावी। अप्रभावी जनकों के साथ जब F1PD का क्रॉस करवाया जाता है या संकर का क्रॉस करवाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण और बैक क्रॉस। वेन एवर वी टेक F1 जनरेशन एंड क्रॉस बिटवीन इट्स डोमिनेंट एंड रिसेसिव पेरेंट देन इट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। दूसरा देखिए, दूसरा अपना टेक्निकल टर्म है क्या है, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, या हिंदी में कह दें परीक्षण संकरण। ठीक है, परीक्षण संकरण कितना है, सिर्फ इतना ही कि जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस इसके अप्रभावी जनक से करवाते हैं, ये क्या है अपने पास अप्रभावी, और ये अपने को प्राप्त हुआ संकर या F1PD। F1PD का क्रॉस जब रिसेसिव पेरेंट से करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस, एंड दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ऑब्टेंड 1:1 व्हेनेवर 1:1 रिजल्ट इज ऑब्टेंड देन द क्रॉस इज राइट, एंड व्हेनेवर दिस रेशियो इज ऑब्टेंड डिफरेंट फ्रॉम 1:1 देन दिस टेस्ट इज क्रॉस, सो दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। यानी परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस क्या है, जब रिसेसिव करेक्टर के साथ F1 जनरेशन का क्रॉस करवाते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। नाउ नेक्स्ट टेक्निकल टर्म इज फैक्टर। फैक्टर क्या है, तो अपन जानते हैं कि जो करेक्टर की इनहेरिटेंस होती है, करेक्टर की इनहेरिटेंस जीन के द्वारा होती है। बेटसन ने जीन की खोज की थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ मेंडल ही डिडंट नो अबाउट द जीन, सो ही गेव ए टर्म दैट इज कॉल्ड फैक्टर। मीन्स लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का जो कार्य करते हैं उसको हम जीन कहते हैं, और मेंडल ने इसी को क्या कहा था, मेंडल ने इसी को कारक कहा था, कि कुछ कारक होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो करेक्टर्स की इनहेरिटेंस करते हैं, और उसी को क्या कहा, फैक्टर। तो सो व्हाट इज फैक्टर या कारक, क्या है अपने पास, फैक्टर और कारक। ठीक है, सब्सटेंसेस विच
इनहेरिटेंस द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड फैक्टर। वे घटक जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? कारक। अगला है जीन। तो आप लोग जानते हो जीन क्या है? डीएनए के खंड जो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं जीन कहलाते हैं, यानी डीएनए का वह भाग जो लक्षणों को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल्स द करेक्टर इज कॉल्ड जीन। नाउ नेक्स्ट टर्म इज एलील और एलिलोमॉर्फ्स। व्हाट इज एलिलोमॉर्फ्स? या हिंदी में कहें तो युग्म विकल्पी। ठीक है, युग्म विकल्पी क्या होता है? अपन ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात की थी, सट्टन और बावेरी ने दिया था। अकॉर्डिंग टू सट्टन एंड बावेरी ऑल द क्रोमोसोम्स और जीन आर सिचुएटेड इन ए पेयर। यानी जीन या गुणसूत्र जो है वो क्या रहते हैं? जोड़ों के रूप में रहते हैं। हमने जब भी क्रॉस करवाया है एक पेयर लिया है, एक सिंगल कैरेक्टर नहीं लिया। तो बोथ दीज जीन्स आर ऑप्शन फॉर ईच अदर एंड दैट इज कॉल्ड एलील और एलिलोमॉर्फ। अब क्या है? युग्म विकल्पी, यानी युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा। जीन या गुणसूत्र क्या होते हैं? एक दूसरे के जोड़े में रहते हैं और एक दूसरे के विकल्प होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? युग्म विकल्पी। अब देखिए यहीं पे दो टेक्निकल टर्म और समझ सकते हैं अपन, क्या? होमोजाइगस एंड हिटेरोजाइगस। सम युग्मजी और विषम युग्मजी। जो अपन बात कर रहे हैं एलील की, ठीक है, एलील की और युग्म विकल्पी की और एलिलोमॉर्फिज्म। व्हेनेवर द टू जीन्स आर सिचुएटेड इन ए पेयर आर सेम देन इट इज कॉल्ड होमोजाइगस। और जब हम F1 जनरेशन देखते हैं तो F1 जनरेशन में अपने को क्या प्राप्त होता है? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। सो व्हेनेवर द जीन आर डिफरेंट इन नेचर एंड फाउंड इन ए एलील और ए पेयर देयर आर टू जीन्स सिचुएटेड टुगेदर बट दे आर डिफरेंट इन नेचर बिकॉज दिस स्मॉल टी डिनोटेड ड्वार्फिज्म एंड कैपिटल टी डिनोटेड टोलनेस बट दे आर फाउंड टुगेदर। जब साथ में रहने वाले दो जीन डिफरेंट टाइप के हों, एक कैपिटल हो एक स्मॉल हो, तो ये कहलाता है क्या? हिट्रोजाइगस कंडीशन और विषम युग्मजी। और ये दोनों जीन जैसे दो कैपिटल टी है या दो स्मॉल टी है ये साथ में, तो उसको अपन क्या कहते हैं? सम युग्मजी। नेक्स्ट लक्षण, लक्षण या करेक्टर और वी कैन से ट्रेट। करेक्टर क्या है? जो जैसे मेंडल ने 7 करेक्टर्स का अध्ययन किया था, ठीक है ना, लंबा बोना ये एक करेक्टर है, ठीक है, झुर्रीदार बीज गोल बीज ये एक करेक्टर है। सो द करेक्टर इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ प्लांट। ठीक है, दूसरा अपन ने बात कर रहे थे एलील की, तो यहां तो देखिए जो मटर का पादप है उसके अंदर तो क्या है कि दो दो जीन है जो किसी भी लक्षण को कंट्रोल करते हैं। यहां एक एब्सेशन है, अपवाद है, आप लोगों को याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर अपन मनुष्य के रक्त समूह की बात करें तो मनुष्य के रक्त समूह को नियंत्रित करने वाली जीन होती है आई, और इस आई के अपने पास क्या है? 3 विशेषक है, आई ए आई बी और आई ओ या आई जीरो। तो हियर 3 जीन्स आर डिनोटेड फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग। मनुष्य के रक्त समूह की वंशागति जो है वो 3 जीनों के द्वारा निर्धारित होती है, आई ए आई बी और आई ओ। तो ये भी क्या है? युग्म विकल्पी है, ये विकल्प है, ए भी जा सकता है नेक्स्ट जनरेशन में, बी भी जा सकता है और ओ भी जा सकता है, और उसी के बेस पे क्या होता है? मनुष्य का रक्त समूह होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रभावी गुण और वी कैन से द डोमिनेंट करेक्टर। द करेक्टर विच आर शोन इन F1 जनरेशन आर कॉल्ड डोमिनेंट करेक्टर। वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में
प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी गुण कहते हैं। द कैरेक्टर विच आर शोन इन एफ वन जनरेशन आर कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर एंड द कैरेक्टर्स विच आर नॉट शोन इन एफ वन जनरेशन मीन्स अगर हम लंबे पादप का क्रॉस करवाएं किससे बोने पादप से तो एफ वन जनरेशन में अपने को सारे के सारे क्या प्राप्त होते हैं लंबे पादप प्राप्त होते हैं। सो दिस टॉल कैरेक्टर इज डोमिनेंट प्रभावी गुण है और ये जो एफ वन जनरेशन में शो नहीं हुआ उसको अपन क्या कहते हैं अप्रभावी गुण ठीक है या रिसेसिव कैरेक्टर। द रिसेसिव कैरेक्टर विच इज दैट नॉट प्रेजेंट इन एफ वन जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर्स। नेक्स्ट अपना टेक्निकल टर्म है फिनोटाइप। फिनोटाइप और वी कैन से हिंदी में लक्षण प्ररूप ठीक है। तो जो अपने जूनियर से पढ़ते आ रहे एक टर्म है अपने पास मॉर्फोलॉजी और एक टर्म है एनाटॉमी। द कैरेक्टर्स विच आर शोन आउटर साइड द प्लांट आर कॉल्ड फिनोटाइप। जो लक्षण बाहर से दिखाई दे जाते हैं अपन देखते हैं पौधा लंबा है ठीक है लंबा है या बोना है तो वो बाहर से अपने को दिखाई दे रहा है। अब अगर अपन बात करें दूसरा जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स लंबा तो है लेकिन उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है। लंबे के लिए जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैपिटल टी और स्मॉल टी भी हो सकता है और दो कैपिटल टी भी हो सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप यानी उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसी है वो हाइब्रिड है या प्योर टोल है ठीक है। ये टोल एग्जाम्पल है सिर्फ ठीक है। जीनोटाइप और वी कैन से जीन प्ररूप। जीन प्ररूप क्या हुआ किसी भी पादप का या किसी भी जीव का आनुवांशिक संगठन द जेनेटिक कॉम्बिनेशन द जेनेटिक कंपोजिशन इज कॉल्ड जीनोटाइप एंड द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड फिनोटाइप। नेक्स्ट पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल नेक्स्ट टेक्निकल टर्म इज पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन क्या है जिसका अपन क्रॉस करवाते हैं ठीक है दैट इज कॉल्ड पेरेंटल और हिंदी में अपन कह सकते हैं जनक। देखिए स्टार्टिंग में अपन लेके चलते हैं एक लंबे पादप का क्रॉस करवाते हैं बोने पादप से तो ये क्या हो गए यहां पे पेरेंट हो गए या जनक हो गए। अब इससे अपने को प्राप्त हुआ एफ वन जनरेशन। एफ वन जनरेशन में अपने को ये प्राप्त हुआ और जब हम एफ टू पीढ़ी की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं एफ वन का क्रॉस किससे करवाते हैं एफ वन से तो यहां अब ये एफ वन का क्रॉस करवा रहे हैं तो यहां ये क्या हो गए ये पेरेंट हो गए ठीक है तो दैट इज कॉल्ड जनक। पेरेंटल मीन्स द प्लांट स्पीसीज विच कैन बी क्रॉस्ड ईच अदर जिनका भी हम क्रॉस करवाते हैं या क्रॉस के अंदर लेते हैं किसी पादप के गुण को या लक्षण को या पादपों को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो जो क्रॉस करवाया जाता है तो वो क्या बन गए जनक बन गए ठीक है। तो और उसके बाद में एफ वन जनरेशन अपने को प्राप्त होती है। अब एफ वन जनरेशन का जब क्रॉस करवाया जाता है अब देखिए आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस तो इसका क्रॉस जब इसके साथ करवाते हैं देन एट दैट टाइम दे आर पेरेंट ठीक है और इसका क्रॉस इसी के साथ करवा रहे हैं तो ये भी पेरेंट है। अब एफ वन जनरेशन का क्रॉस एफ वन से करवाते हैं तो यहां ये पेरेंट हो गए एफ टू जनरेशन अपने को प्राप्त होगी फिर एफ टू के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो उस टाइम में क्या हो जाएगा एफ टू जो है वो पेरेंट हो जाएंगे ठीक है। उसके बाद में संकरण आप लोगों को पता है किसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज क्रॉस बिटवीन टू स्पीसीज इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन और संकरण एंड फ्रॉम द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पेरेंट वी ऑब्टेन्ड हाइब्रिड एंड लास्ट है रेसिप्रोकल क्रॉस। इसको आप और समझ लीजिए और उसके बाद में अपना ये चैप्टर कंप्लीट है। रेसिप्रोकल क्रॉस या व्युत्क्रम क्रॉस का मतलब क्या होता है देखिए जब हम क्रॉस करवाते हैं जैसे यही है अपने पास एक कैपिटल प्लांट का टॉल प्लांट का क्रॉस अपन ने करवाया एक ड्वार्फ प्लांट से। लंबे पादप का जब हम क्रॉस करवाते हैं बोने पादप से तो अपने को पता है क्रॉस करवाने के लिए अपन ने दो तीन क्रियाएं पढ़ी थी एक अपन ने विंपूषण पढ़ा था एक परागण पढ़ा था फिर एक अपन ने थैलीकरण पढ़ा था। विंपूषण का मतलब पराग कणों को हटाना बोराकरण या थैलीकरण का मतलब उस चार विंपूषण की क्रिया करने के पश्चात जो वृत्तिकाग्र बच गया उसके चारों तरफ अपन ने पॉलिथीन बांध दी। तो अब यहां पर देखिए क्या होता है एक बार ये मेल है या ये फीमेल है जिसका हम वृत्तिकाग्र या अंडाशय या जायांग या स्त्री जननांग भाग लेते पार्ट काम में लेते हैं
जिस प्लांट का, वो तो क्या हो गया फीमेल प्लांट, और जिसके पराग कणों को काम में लेते हैं वो क्या हो गया मेल प्लांट। ठीक है, तो एक बार हमने क्या किया क्रॉस करवाया, कैसे इस प्रकार से अपने को एफ वन जनरेशन ऑब्टेंड हो गई। दूसरी बार हम क्या करते हैं, दूसरी बार हम इसको क्या करते हैं फीमेल, यानी इसका तो अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट काम में लेते हैं और इसका क्या करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट काम में लेते हैं। तो इस प्रकार के क्रॉस को क्या कहते हैं व्युत्क्रम क्रॉस, यानी फर्स्ट वीट एंड्रोसियम ऑफ ए टॉल प्लांट एंड गाइनोसियम ऑफ ए स्मॉल प्लांट, देन आफ्टर वी टेक एंड्रोसियम ऑफ स्मॉल प्लांट एंड गाइनोसियम ऑफ टॉल प्लांट, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, व्युत्क्रम क्रॉस, एक बार जिस पादप को मादा के रूप में काम में लिया, दूसरी बार उस पादप को नर के रूप में काम में लेंगे, उल्टा काम करेंगे और क्रॉस करवाएंगे, तो उसको अपन क्या कहते हैं व्युत्क्रम क्रॉस। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।